पुलिस वाला और भूत, बिजनेसमैन सुमित और पुलिस अफसर निमिष दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों भी पैसों के लालची थे। सुमित अपना पुश्तैनी बिजनेस संभालता था, लेकिन वो बहुत लालची होने के कारण गैर कानूनी काम करता था और निमिष उसे पुलिस से बचने में उसकी मदद करता था। सुमित निमिष को अपने काले का कुछ हिस्सा देता था। एक दिन पुलिस स्टेशन में, निमिष सर, मुझे मेरे खबरी से एक टिप मिली है। उस बिजनेसमैन सुमित के घर कुछ गैर कानूनी और नशीली चीजें रखी है और वो एक दो दिनों में उन्हें लेकर विदेश जाने वाला है। ऐसा क्या? लेकिन आज तक हमें उस सुमित के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो झूठी निकली। कभी भी हमें उस सुमित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। सबूत तो क्या, हमें उसके पास कभी कोई गैर कानूनी माल भी नहीं मिला है। कोई हमें झूठी खबर दे रहा होगा। तो अब क्या करें सर? मुझे तो लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में ही कोई सुमित के साथ मिला हुआ होगा। मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ और तुम्हें बताता हूँ। तुम अपनी टीम तैयार कर रखना। फिर निमिष सुमित के ऑफिस आकर उसे मिलता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वही पुराना किस्सा। किसी ने फिर से तुम्हारे बारे में खबर दी है। तो अब क्या करे? आज तक तो तुमने मुझे बचाया है, आज भी बचा लो। वो तो ठीक है, लेकिन हर बार की तरह मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता, क्योंकि अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी चर्चा शुरू हो गए हैं कि कोई पुलिस वाला तुम्हारे साथ मिला हुआ होगा। तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम्हारे घर पर रेड मारने के बाद कुछ गैर कानूनी सामान बरामद हो। ऐसा होने से डिपार्टमेंट का जो शक है वो दूर हो जाएगा। लेकिन मैं फंस जाऊंगा उसका क्या? अब तक तुमने मुझे बचाया है और मैंने तुम्हें उसकी पूरी कीमत भी चुकाई है। अब मैं फंसा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अरे दोस्त, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ कि तुम वो सामान अपने किसी नौकर के कमरे में रखवा दो। इससे तुम्हारा नौकर गुनहगार सिद्ध हो जाएगा और तुम छूट जाओगे। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? हाँ भाई, क्यों नहीं। अब तुम्हें खुद को बचाने के लिए किसी और को तो फंसाना ही पड़ेगा ना। अब तुम सोचो किसे फंसाना है। ठीक है, तो मैं मेरे नौकर कमल के कमरे में उस सामान की बैग रखवा देता हूँ और उसे थोड़ी देर के लिए बाहर भेजता हूँ। फिर तुम अपनी टीम के साथ आ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। निमिष वहाँ से चला जाता है और सुमित भी अपने बंगले पर जाकर कमल को किसी काम से बाहर भेजता है। निमिष नशीली चीजों से भरा हुआ बैग कमल के कमरे में रख देता है। थोड़ी देर में निमिष अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। सुमित के घर की तलाशी ली जाती है। तब कमल के कमरे में बैग मिलता है। तब तक कमल भी बाहर से आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा कसूर क्या है वो तो बताइए, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? तुम्हारे कमरे में गैर कानूनी सामान मिला है जिसे लेकर तुम कल भाग जाने वाले थे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं कहीं नहीं जा रहा था सर। मुझे नहीं पता कि ये सामान मेरे कमरे में कैसे आया। सुमित सर, आप कुछ बताइए ना। मैं अब क्या बोलूं कमल, पुलिस ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। पुलिस कमल को पकड़ कर ले जाती है और गाड़ी में डाल देती है। कमल कहता रहता है कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों की गाड़ी बंद पड़ती है। इसी बात का फायदा उठाकर कमल भाग जाने लगता है। तभी निमिष उसका एनकाउंटर कर देता है। अगले दिन, अरे निमिष, तुमने तो कमल को मार डाला, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और मैंने तो उसे मारा भी नहीं है, मैंने तो उसका एनकाउंटर किया है। सबके लिए तो वो एक बहुत ही बड़ा गुनहगार ही था। अब तुम चैन की सांस लो और कुछ दिनों के लिए ये सब धंधे बंद कर दो। देर रात को जब निमिष अपने घर पर सो रहा होता है, तब उसे किसी की आवाज आती है, जैसे उसे कोई पुकार रहा है। निमिष बाहर आकर देखता है तो कोई नहीं होता। वो फिर से अपने कमरे में जाता है। तब उसके कमरे की लाइट अपने आप जलनी और बुझनी लगती है।
निमिष डर जाता है। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगती है और निमिष को ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उसके घर में घूम रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। निमिष जोर से बोलने लगता है, कौन है? बाहर आओ, ऐसे मुझे डराने की कोशिश मत करो। तभी निमिष के की चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। सोफा कुर्सियां यहाँ से वहाँ चलने लगती हैं। टेबल हवा में उड़ने लगता है। निमिष सुमेध को फोन करके सब बताने लगता है। फोन बीच में ही कट हो जाता है और तभी कोई निमिष के हाथ से फोन खींच कर नीचे फेंक देता है। निमिष बुरी तरह से डर जाता है और घर से बाहर आ जाता है और तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसके सर पर पत्थर मार दिया। वो जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है। फिर भी निमिष चलता रहता है। उसके पीछे कमल का भूत आ रहा होता है। निमिष को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कमल का भूत दिखाई देता है। निमिष भागते ही रहता है और भागते भागते उसी जगह आ जाता है जिस जगह पर उसने कमल का एनकाउंटर किया हुआ होता है। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं कमल हूँ जिसे तुमने कल मार डाला था। मेरा कोई गुनाह नहीं था, फिर भी तुमने मुझे फंसा कर मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने मेरे दोस्त को बचाने के लिए तुम्हें फंसाया था। मैं सुमेध को पुलिस के हवाले कर देता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। नहीं, उस सुमेध को तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कमल का भूत निमिष को बुरी तरह मार डालता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसे किसी इंसान ने मारा है या किसी जानवर ने। निमिष के मौत की खबर मिलते ही सुमेध डर जाता है। उसे लगता है हो ना हो ये कमल के भूत का ही काम है, कमल उसकी भी जान ना ले। इसीलिए वो अपनी सारी काली करतूतों के बारे में पुलिस को बता देता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। आत्मा लाइब्रेरी आती है। आलोक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके रिसर्च का काम चल रहा है। इस सिलसिले में उसे रोज नेशनल लाइब्रेरी में जाना पड़ता है किताबों और जर्नलों से रेफरेंस लेने। नेशनल लाइब्रेरी शहर के एकांत में है, रात के 10 बजे तक खुला रहता है। सेकेंड शिफ्ट का लाइब्रेरियन विष्णु से उसकी जान पहचान और दोस्ती हो गई थी। एक दिन हमेशा की तरह आकर उसने किताबें ली और कोने की सीट पर बैठने लगा और तभी विष्णु दौड़ता हुआ आया। एक्सक्यूज मी आलोक बाबू, काइंडली सीट पर ना बैठे, आप और किसी सीट पर बैठ जाएं। आलोक दूसरी सीट पर बैठ गया। उसने देखा करीब 9 बजे एक सज्जन उस सीट पर आकर बैठ गए, खुद जाकर अलमारी से किताब निकाली और पढ़ाई में जुट गए। कई दिनों तक आलोक इस बात को गौर करता रहा। विष्णु बाबू, ये कोई बड़े स्कॉलर हैं क्या? क्या नाम है इनका? रहस्यमय धीमी आवाज ने विष्णु ने बोला, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इनके बारे में, लेकिन ये रोज आते हैं और बड़े ध्यान से पढ़ाई करते हैं। उसी एक ही सीट पर बैठते हैं वो, इसलिए दूसरी सीट पर आपको बैठने के लिए कहा था। एक दिन आलोक देर रात तक नेशनल लाइब्रेरी में नोट ले रहा था। घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे, लाइब्रेरी के बंद होने का टाइम था। अरे सॉरी विष्णु जी, मैंने बड़ी देर कर दी, अब किताब जमा करके मैं निकलता हूँ। फिर उसकी नजर उस सज्जन पर पड़ी जो हर रोज रात के 9 बजे आते हैं। अरे विष्णु जी, ये साहब तो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कब तक इनके लिए रुकोगे? आप चलो आलोक बाबू, ये भी निकलेंगे, मैं भी चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रात काफी बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी से निकलकर सामने ही आलोक बस के लिए बस स्टॉप पर रुक गया। उसने देखा विष्णु जी लाइब्रेरी से निकल आए, लेकिन उस रोज की पढ़ाई करने वाले सज्जन का कहीं पता ही नहीं था। अगले दिन, विष्णु बाबू, आप कल रात बारिश में अकेले ही निकल आए? उस सज्जन को तो मैंने आपके पीछे निकलते देखा ही नहीं, सब ठीक तो है ना? आलोक बाबू, आप यहाँ पढ़ाई करने आते हैं,
दूसरी चीजों पर ध्यान देकर क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? दूसरों की बात दूसरों तक ही रहने दे। आलोक को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि विष्णु ने कभी इस तरह उससे बात नहीं की थी। वो रोज लाइब्रेरी आता रहा और उस सज्जन को ठीक रात के 9 बजे आकर पढ़ाई करते देखता। इस मामले में फिर उसने विष्णु से कभी बात नहीं की। एक दिन फिर तेज बारिश हो रही थी। आलोक लाइब्रेरी से निकलकर उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, तभी उसके कानों में धीमी आवाज आई, बेटा। उसने देखा लाइब्रेरी वाले सज्जन उसके पीछे खड़े हैं। मुझे मालूम है मेरे बारे में तुम्हें बहुत उत्सुकता है। आज काफी तेज बारिश हो रही है तो मैंने सोचा तुमसे बातचीत कर ली जाए। जी, मेरा नाम आनंद सिन्हा है, मैं विष्णु का परदादा हूँ। परदादा? आप? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, 60 साल पहले ही मर चुका हूँ मैं। आलोक डर से कांपने लगा। डरो नहीं, मैं गंदे भूतों की तरह नहीं हूँ। हाँ, मैं परलोक में जरूर रहता हूँ लेकिन इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाता। जी, मुझे पढ़ाई करने में बहुत आनंद आता है। जब मैंने देखा मेरा परपोता लाइब्रेरियन है तो एक रात आ गया नेशनल लाइब्रेरी और विष्णु को बता दिया मैं उसका परदादा हूँ, परलोक से आया हूँ किताबें पढ़ने, तो वो बहुत खुश हुआ। इस तरह मैं रोज विष्णु के पास लाइब्रेरी में पढ़ने चला आता हूँ। जी, विष्णु लाइब्रेरी बंद करके चला जाता है और मैं अंदर पढ़ता रहता हूँ, सुबह होने से पहले चला जाता हूँ। आलोक बेटा, अब मुझे जाना है, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आलोक ने देखा आनंद सिन्हा चलते हुए बादलों में समा गए।